यहाँ पे तो बड़ा सा कट गया साला मेरा, तो पैर कट गया यार यहाँ पे कमर के ऊपर। ये दोस्तों हमारे सामने अलीबाग बीच, बड़ा बेकार बीच है यार। तो ये है दोस्तों किला का मेन गेट। अभी तो ये पूरा पानी से भर गया, देखो। हेलो दोस्तों, अलीबाग के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास है सिर्फ एक दिन, और इस एक दिन में हम अलीबाग के 2 से 3 जगह घूमने वाले हैं। अभी देखते हैं, फिलहाल पता नहीं कि 2 से 3 जगह हम कवर कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे। 2 जगह तो हम लोग घूम ही लेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं कुलावा फोर्ट, उसके बाद हम अलीबाग बीच एक्सप्लोर करेंगे, और बाद में हमारे पास अगर टाइम रहा तो आसपास का एक और बीच एक्सप्लोर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये दोस्तों हमारे सामने अलीबाग बीच। इस साला कितना गंदा बीच है। लोग चल के आ रहे अंदर। हाँ पानी कम है ना, इतना साला। तो ये है दोस्तों अलीबाग बीच। मुझे लगा था कुछ अच्छा खासा बीच होगा, एकदम अलीबाग बीच बहुत फेमस है, बहुत फेमस है अलीबाग। और यहाँ पे आके ये बीच है यार, ये क्या है मतलब। तो पूरा कीचड़ कीचड़, जूता भीग जाएगा अपना। और यहाँ पे अलीबाग में तो बहुत सारे बीचेस है दोस्तों, किहिम बीच है और मुरुद बीच है, बहुत सारे आवासी या कुछ तो ऐसा बीच है। आवासी बीच जो है ना वो शायद बहुत क्लीन बीच है, आवासीय या क्या है नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से। बाकी सब लोग जा रहे हैं पैदल, पानी से ही जा रहे हैं। हम लोग को क्या है, जूता वूता उतारना पड़ेगा थोड़ा, और वो पैंट थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएगा। इसे पानी वानी में क्रॉस करके तो मज़ा तो आएगा दोस्तों। ओ दूर दिख रहा है पानी, अगर बढ़ गया तो बोट से आएंगे, और पानी अगर ठीक रहा लेवल पे तो पैदल ही आ जाएंगे। गया इतना तो गया। अरे मौ कसम, यही तक पानी है। खूब पानी आगे बढ़े, अभी भी आगे पानी बोल रहे। अबे मैं कर गया, खत्म मेरा पूरा गया। पानी बढ़ेगा अभी, अबे पानी बढ़ेगा और बोल मेरा गया, मेरा देख पूरा गया। अरे बाप रे, ये लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है भाई, समंदर क्रॉस करके हम किले तक जा रहे हैं। अरे मेरा पर्स, अबे पैसे है, जाएगा सब खत्म होगा। यहाँ पे कमर के ऊपर ये वाला पत्थर बहुत नुकीला है रे। पैर कट गया यार, खून निकल रहा है, दोनों पैर में लग गया पत्थर, नुकीले पत्थर है बहुत। तेरे दिखाओ, और दिखाओ सिम तेरे को, दूसरा वाला दिखा। जूता देख नीचे से, जूता ही फट गया। जूता नीचे से फट गया, अच्छा वो पत्थर नीचे से घुसा था, जूता फट के लगा ले, इस पर ज़्यादा लगा। मेरा भी कट गया यार। अभी हम सीधा जा रहे हैं दोस्तों अलीबाग सरकारी हॉस्पिटल। बाजू में ही हॉस्पिटल था, देखा था ना, बाजू में ही हॉस्पिटल था। इधर भी थोड़ा सा लगा है, यहाँ छुट्टी रहेगा उनको। और यहाँ पे तो बड़ा सा कट गया साला मेरा, तो सामने ही किला है दोस्तों, हम पहुँच गए किले के पास, लेकिन नगड़ा नगड़ा के चलना पड़ रहा है। तो ये है दोस्तों किला का मेन गेट, और यहाँ से आपको टिकट निकालना पड़ेगा, 25 रुपये पर पर्सन टिकट है,
अगर आप ऑनलाइन से टिकट निकाल रहे हो ना, वहाँ पे जो स्कैनर था वहाँ से, तो आपको 5 रुपये का छूट मिलेगा, 25 रुपये का टिकट 20 रुपये मिलेगा, और काउंटर से निकालोगे तो 25 रुपये का टिकट मिलेगा। और ये है कुलाबा फोर्ट, कुलाबा फोर्ट के अंदर का हिस्सा। यहाँ पे इतिहास पढ़ सकते हो आप कुलाबा फोर्ट का। ये पूरा किला जो है अभी खंडर बन गया है। 18वीं शताब्दी में कान्होजी आंग्रे ने यहाँ पे नेवी का हेडक्वार्टर स्थापना किया था। तो मुंबई से लेकर के जंजीरा तक का जो पूरा कोस्टल लाइन है ना, वो पूरा एरिया का देखभाल करने के लिए ये किला बहुत ही अहम हिस्सा था उस टाइम। कोस्टल लाइन का एक अहम किला था ये। यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत दिखते हैं दोस्तों, एकदम जो व्यू दिखता है ना समंदर का, मस्त वाला व्यू दिखता है। अबे है आना, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। किले की इधर निकलते बाहर, ये वाला चलना चाहते देखते हैं। चलो ऊपर, ठीक है चल। उधर गया था, उधर थोड़ा भीगा था। अरे इधर जाएगा भाई, नीचे हैं, नीचे जाएगा, कटता है ना नीचे। एक सेकंड, टॉर्च मारने दे। बंद है, नहीं पानी भर गया, पूरा पानी भरा हुआ है, तो वही समुद्र की जाता है, पानी भरा हुआ पूरा, शायद नीचे से रास्ता रहेगा ना। इस किले को बनाया था दोस्तों शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज ने काम चालू किया था किले का, और उनके बेटे संभाजी महाराज ने इस किले का जो काम है पूरा किया था। 16वीं शताब्दी में बन के तैयार हुआ था ये किला। बड़ा किला है, और यहाँ पे मंदिर बहुत सारे हैं, मंदिर और एक मस्जिद भी है किले के अंदर, और किले के अंदर ही आपको गाँव वाले का घर भी मिलेगा, और व्यू बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। ये है दोस्तों यहाँ का गणपति मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर यही वाला है। यहाँ पे आओगे तो ये दर्शन करना मत भूलना। तो दोस्तों हमारा जो है किला घूम के तो हो गया, अब हम जा रहे हैं बाय बोट, पैदल नहीं जाएंगे, हमारा वैसे भी पैर वैर कट गया है दोनों का। तो यहाँ से जो है ना रिटर्न बोट 100 रुपये लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, वैसे भी 200 रुपये था ना आने और जाने का। सुबह को दोस्तों जब हम लोग आए थे तभी ये पूरा एरिया खाली था, यहाँ पे पानी नहीं था, वहाँ तक पानी था, अभी तो ये पूरा पानी से भर गया देखो। चलो अब उतरने का टाइम हो गया, फिर से पैंट भीगेगा। पानी पूरा भर गया एकदम यहाँ तक ऊपर तक। तो दोस्तों अब मैं आपको घुमाने वाला हूँ अलीबाग बीच, और आज संडे है, बहुत ज़्यादा गर्दी है यहाँ पे। हम लोग फिलहाल वो कुलाबा फोर्ट से वापस आ गए थे। एक बात ये है कि अलीबाग बीच में आपको एक्टिविटीज़ की कमी नहीं है भाई, यहाँ पे बनाना राइड, उसके बाद एटीवी राइड और बोट राइड वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, कैमल राइड, हॉर्स राइड, बच्चों का राइड। कितना ये एटीवी राइड का? 150 पर पर्सन। कितना लोग है? दो जन है, दो जन बोटर 250 रुपये का।
वैसे तो दोस्तों पूरा अलीबाग अगर आपको कवर करना है तो कम से कम 3 दिन का समय चाहिए, नहीं तो 2 दिन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बीचेस है। और एक मुरुद जंजीरा करके एक फोर्ट है जो यहाँ से अलीबाग से 1 घंटा लगता है, एक से 1.5 घंटा लगता है जाने में। वो फोर्ट देखने लायक फोर्ट है, वो आप कवर कर सकते हो, लेकिन वो 1 दिन में नहीं होगा, उसके लिए आपको 2 दिन का समय चाहिए। 1 दिन आप अलीबाग घूमें और ये कोलाबा फोर्ट घूमें, दूसरे दिन आप आसपास के बीचेस वगैरह घूमें, और तीसरे दिन मुरुद जंजीरा फोर्ट, उसके बाद आप घर। दोस्तों ये अलीबाग बीच बहुत बड़ा है, वो साइड से हम लोग चल के आ रहे थे, चलते चलते अभी भी यहाँ से आगे अभी भी जगह है, तो ये मतलब ज़्यादातर एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो साइड में होगा, और ये पूरा एरिया जो है खाली है। और इसके आगे एक बीच है वर्सोली बीच करके है, वो अलीबाग के आगे है, अलीबाग बीच के वो साइड में है, इधर से जाने का रास्ता नहीं है, वो बाई रोड से जाना पड़ेगा आपको। और पीछे साइड में एक बीच है जिसका नाम है अक्सी बीच। ये दोनों बीच जो है ना बहुत क्लीन बीच है ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी पता नहीं कितना क्लीन बीच है, हम लोग गए तो नहीं, लेकिन शायद ये वर्सोली बीच जो है वो क्लीन बीच है थोड़ा सा। मेरा टोपी उड़ जा रहा है। यहाँ पे कुछ शॉपिंग की दुकानें हैं जहाँ से आप शॉर्ट्स वगैरह ले सकते हो अगर आप पानी में नहाना है तो आपको, लेकिन बहुत महंगा मिलता है भाई। शॉर्ट्स जो है वो 200 रुपये का मिलता है, 150-200 में। तो इससे बेहतर है कि अगर आप प्लान बना रहे हो कि समुद्र के पानी में नहाने का, तो पैंट वैंट ले के आओ, नहीं तो यहाँ बहुत लेते हैं। टी शर्ट का 200 रुपये, शॉर्ट्स का 150-200 रुपये, मतलब बहुत जाता है इसमें पैसा। बाकी यही था ये बीचेस के बारे में, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बस वो राइड वगैरह है और कुछ नहीं है। बाकी आप चाहो तो एक दिन यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, दूसरे दिन में आसपास के बीचेस वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। तो और वो रहा हमारा फोर्ट, सुबह को हम गए थे वहाँ पे, अभी पानी धीरे धीरे कम रहा है, सुबह को पानी यहाँ तक था। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग जो है, अभी हमारे पास तो टाइम है 3 बज रहे अभी, लेकिन अभी हम कहीं जाएंगे नहीं, यहीं पे आज हमारा जो ब्लॉग है ख़त्म करूँगा, क्योंकि जाने का मन नहीं कर रहा है कहीं पे भी। वैसे भी अक्सी बीच जो है वो दूर है, अभी अपने को ऑटो वाटो लेके जाना पड़ेगा, इधर वर्सोली बीच है वो भी दूर है, तो इतना पैसे खर्चे करने का मन नहीं है अभी। और तो बस आज अपना जो ब्लॉग है अलीबाग में ख़त्म होता है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। ये वीडियो कैसा लगा बताना दोस्तों, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करना अगर कुछ भी पूछना हो तो, मैं सब बताऊंगा, हर एक क्वेरी का रिप्लाई दूंगा मैं। अब यहाँ से आपको गेटवे जाना है तो ये इस जगह से आपको टिकट मिलेगा दोस्तों, ये जो टिकट काउंटर है ये आपको अलीबाग में मिलेगा, वो मंडवा जेट्टी में नहीं। और यहाँ से आपको बस से जाना है तो बस से जा सकते हो, नहीं तो जो टिकट है वो टिकट आपको ऑटो को दिखाओगे ना तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मंडवा लेके जाएगा। मैं अभी उससे जाने वाला हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको। बैठ जा।